गाजियाबाद में पति ने अपनी पत्नी को गोली मारी और उसकी गोद से 2 साल का बच्चा छीनकर फरार हो गया। मामला मसूरी थाना क्षेत्र के काजीपुरा इलाके का है। घटना की जानकारी पुलिस को मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने घायल महिला को अस्पताल में एडमिट कराया। जानकारी मिली कि महिला की गोद से 2 साल का बच्चा गायब है। जानकारी करने पर पुलिस को पता चला कि घायल महिला का नाम संजना है। संजना की शादी आज से 3 साल पहले कपिल से हुई थी, लेकिन बाद में दोनों अलग हो गए थे। इस दौरान जो बच्चा पैदा हुआ उसकी कस्टडी संजना के पास थी। बताया जा रहा है कि कोर्ट में तलाक का केस भी चल रहा है। इस दौरान संजना ने दूसरी शादी भी कर ली थी। फिलहाल महिला अपने मायके में रह रही थी, जहां कपिल अपने दोस्तों के साथ आया और पत्नी संजना के साथ कहासुनी करके उसकी गोद से बच्चा छीनने लगा। लेकिन जब उसने विरोध किया तो आरोपी ने संजना को गोली मार दी। संजना को अस्पताल में एडमिट कराया गया। वहीं पुलिस का कहना है कि मामले में 3 टीमें गठित की गई हैं और जल्द ही बच्चे की बरामदगी कर ली जाएगी। आरोपी की गिरफ्तारी भी की जाएगी। गाजीपुरा थाना मसूरी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसमें अभी एक सूचना प्राप्त हुई थी, इसमें तत्काल सभी अधिकारीगण हम लोग मौके पर पहुंचे हैं। इसमें जानकारी की तो ये पता चला कि एक महिला है 28 वर्षीय संजना, जो कि यहाँ पर अपने मायके में रहती हैं। तो उनके पति शादी लगभग 3 साल पहले हुई थी, तो पति से संबंध विच्छेद चल रहे थे, अलग अलग दोनों रह रहे थे। तो आज उनका पति अपने 2 साथियों के साथ यहाँ पर आया और इनके बीच में लड़ाई झगड़ा कहासुनी हुई। कहासुनी के उपरांत उसने बच्चा छीनने का प्रयास किया।